बावर्स एंड वेलकम बैक टू द अनदर स्पेशल वीडियो ऑफ रिव्यू ड्राइव। सो गाइस, आज हम यहां पे कंपेयर कर रहे हैं बजाज पल्सर NS125 जो अभी रिसेंटली लॉन्च हुई है, उसको कंपेयर करेंगे हम पल्सर 125 के साथ। सो इन दोनों में से कौन सी बाइक आपके लिए ज़्यादा वर्थ इट रहेगी गाइस। सो वीडियो शुरू करने से पहले, अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से कर लेना, और इन दोनों बाइक्स के बारे में हम डिटेल में कंपैरिजन करेंगे और आपको बताएंगे कि कौन से रिक्वायरमेंट्स अगर आपकी हो तो आपको इन दोनों में से कौन सी बाइक चूज़ करने चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो गाइज, यहाँ है ये दोनों बाइक्स। यहाँ पे जो राइट साइड पे आपको NS125 बर्न रेड कलर में मिल जाती है, और यहाँ पे लेफ्ट साइड पे आपको पल्सर 125 मिलती है जो ऑरेंज नियॉन टच में आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। सो सबसे पहले डिज़ाइन वाइज कंपैरिजन करेंगे। सो NS125 की डिज़ाइन जो है तो वो NS160 से रिजेंबल करती है, और हुबहू वही डिज़ाइन आपको कलर वाइज ही यहाँ पे आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा, और डिज़ाइन वाइज तो NS160 से ही ये बाइक रिजेंबल करती है। और पल्सर 125 की बात करते तो ये पल्सर 150 नियॉन को रिजेंबल करती है, और वो वही डिज़ाइन आपको यहाँ पे मिलती है। सो डिज़ाइन वाइज अगर बात करते हैं, सो NS160 ज़्यादा स्पोर्टिव साइड पे आपको मिलती है डिज़ाइन, और पल्सर 125 की जो डिज़ाइन है तो वो काफ़ी सिंपल लुक और थोड़ा सा स्पोर्टी नोट आपको देखने को मिलता है, ज़्यादा नहीं कंपेयर टू NS125। सो जो मेन डिफरेंस आपको यहाँ पे इन दोनों बाइक्स में देखने को मिलेगा, सो वो है यहाँ पे इंजन वाइज। सो NS125 में आपको NS160 का इंजन मिलता है, जो 125 cc में यहाँ पे इसका बहुत छोटा कर दिया गया। ओके, सो इसकी जो पावर फिगर्स की बात करते हैं तो वो आपको 12 PS ऑफ पावर मिलती है, 11.8 न्यूटन मीटर टॉर्क आपको मिलता है। सो 125 cc के हिसाब से ये बाइक इंडिया में सेकेंड मोस्ट पावरफुल बाइक आप इसे कह सकते हैं ड्यूक 125 के बाद। और इसमें आपको जो इंजन मिलता है तो वो एयरकूल इंजन मिलता है, जो NS160 में आपको ऑयल कूल मिलता था। 5 स्पीड गियर बॉक्स के साथ इलेक्ट्रॉनिक कार्बोरेटर मिलता है आपको, FI इस बाइक में आपको देखने को नहीं मिलता है। देन आफ्टर अगर हम पल्सर 125 के इंजन की बात करते हैं तो उसमें अभी आपको पल्स 150 का इंजन मिलता है, जो 125 सीसी में इसका बोर छोटा कर दिया गया है। सो पावर फिगर्स की बात करते तो 11.8 PS ऑफ पावर मिलती है विथ 11.6 न्यूटन मीटर टॉर्क। सो पावर फिगर्स में सिर्फ 0.2 PS ऑफ पावर और 0.2 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क कम मिलता है। अब वेट की बात करते तो NS125 के अगर वेट की बात करते तो वो आपको 146 kg ऑफ वर्कआउट वेट मिलता है, पल्सर 150 का वेट है तो वो 144 kg है। सो उस हिसाब से अगर देखते तो पावर फिगर्स भी ऑलमोस्ट सेम हो जाते, क्योंकि ये 2 kg ऑफ लाइटर वेट है आपको मिलती है। सो वही आपको यहाँ पे चेंजेस मिलते हैं दोनों ही बाइक्स में। अगर हम देखते हैं फ्रंट से, सो 32mm के फोक्स आपको दोनों ही बाइक्स में मिल जाते हैं, सेम टायर आपको 80 सेक्शन के मिलते हैं, सिर्फ रिम आपको यहाँ पे डिफरेंस देखने को मिलती है डिज़ाइन वाइज, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। 125 का ये ड्रम वेरिएंट है, इसमें आपको डिस्क वेरिएंट भी मिल जाता है, जिसमें 240mm की डिस्क आपको फ्रंट में मिलेगी, और CBS के साथ आती है दोनों ही बाइक्स। सो यहाँ पे भी आपको पेटल डिस्क मिलती है, और यहाँ पे आपको नॉर्मल डिस्क मिलेगी। ओके, सो अब यहाँ पे डिज़ाइन वाइज भी आप यहाँ पे देख सकते हैं गाइस, कोई भी यहाँ पे चेंजेस आपको नहीं मिलता है। पल्सर 150 की तरह दिखती है, और ये NS160 की तरह दिखती है, थोड़ा सा माइनर डिफरेंस यहाँ पे आपको मिलने वाला है। इंस्ट्रूमेंट कंसोल की बात करते हैं गाइस, तो अब यहाँ पे पल्सर 150 में आपको सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल मिलता है, जो पल्सर 150 नियॉन और स्टैंडर्ड में आपको मिलता है वही है, कोई भी चेंजेस यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलता है। देन आफ्टर अगर हम यहाँ पे NS125 के इंस्ट्रूमेंट कंसोल की बात करें तो वही NS160 वाला इंस्ट्रूमेंट कंसोल मिलता है, उसमें भी आपको कोई भी चेंजेस नहीं मिलेंगे। यहाँ पे एक जो स्पेशल फीचर होगा तो वो आपको यहाँ पे टाइम इंडिकेशन मिलेगा, जो पल्सर 125 में नहीं मिलता है। सो अब यहाँ पे गाइस रियर पार्ट में, रियर सेक्शन की तरफ आते तो NS125 में आपको मोनोशॉक सस्पेंशन मिल जाते हैं, और यहाँ पे आपको सिंपल वही जो पल्सर 125 में ड्यूल गैस चार्ज नाइट्रोक्स सस्पेंशन मिलता है वही मिलता है। सो अब यहाँ पे टायर साइज़ की बात करते तो दोनों ही बाइक्स में 100 सेक्शन के टायर मिलते हैं, बट जो पल्सर 125 की डिज़ाइन तो वो थोड़ी सी स्लिक साइड पे आपको मिलती है, तो 100 का सेक्शन ओके टाइप दिखता है, बट यहाँ पे NS में थोड़ी सी वाइडर डिज़ाइन आपको बैक साइड से मिलती है, तो उस वजह से 100 का सेक्शन टायर वाला थोड़ा सा 100 सेक्शन वाला टायर थोड़ा सा छोटा दिखता है, मतलब इतना अच्छा नहीं दिखता है, एटलीस्ट 120 सेक्शन का टायर हो तो काफ़ी अच्छा दिखता। सो रियर से बात करते तो यहाँ पे आपको ट्रेडिशनल पल्सर टेल लाइट्स LED आपको मिल जाती है, जो 150 में भी आपको मिल जाती है। दोनों ही बाइक्स में हेलोजन इंडिकेटर्स आपको मिलने वाले हैं। सो गाइज, अब यहाँ पे स्टेबिलिटी और कंफर्ट वाइज बात करते तो दोनों ही बाइक्स में काफ़ी अच्छा कंफर्ट मिलने वाला है, और स्टेबिलिटी आपको NS125 में ज़्यादा अच्छी मिलेगी कंफर्ट कंपेयर टू पल्सर 125। सो गाइज, अब प्राइस वाइज बात करते हैं। सबसे पहले NS125 की जो प्राइस है तो वो आपको 95,000 अप्रोक्स अहमदाबाद में मिल जाएगी, और पल्सर 125 की जो
सिंगल सीट आती है तो उसकी एक्सोरूम प्राइस हमारी सिटी में 74,000 मिलती है, और जो स्प्लिट सीट वाला वेरिएंट आता है जिसमें इंजन काउल भी आपको मिलेगा और स्प्लिट सीट आपको मिलती है, तो उसमें आपको 77,000 एक्सोरूम प्राइस आपको मिलती है। NS 125 के एक्सोरूम प्राइस में आपको पल्सर 125 ऑन रोड आपको मिल जाती है, और NS 160 के एक्सोरूम प्राइस में NS 125 आपको ऑन रोड मिल जाएगी। सो गाइज, NS 125 और पल्सर 125 के माइलेज के बारे में बात कर लेते हैं। सो ड्यू टू इट्स स्पोर्टी नेचर, सो आप यहाँ पे माइलेज थोड़ा सा कम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मतलब कि इतना भी कम नहीं, आप सिटी में इजीली 45 km/h तक माइलेज निकाल सकते हैं, उससे भी ज़्यादा आप निकाल सकते हैं अगर अच्छे से राइड करते हैं। और यहाँ पे आपको भी वही माइलेज फिगर्स अराउंड आपको मिलेगी, 50 km/h तक आप यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं सिटी में। हाईवे में आपको दोनों ही बाइक्स में 50+ माइलेज आराम से ये दोनों बाइक्स देने वाली है। सो माइलेज वाइज भी दोनों बाइक्स ऑलमोस्ट सेम होने वाली है। परफॉर्मेंस वाइज अगर आपको वीडियो देखना हो NS 125 का, तो मैंने आपको यहाँ पे आई बटन में लिंक दे दिए, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। सो गाइज, अब फाइनल वर्डिक्ट की तरफ बढ़ते हैं, तो किसको NS 125 लेनी चाहिए और किसको पल्सर 125 लेनी चाहिए। सो जिनके लिए NS 160 आउट ऑफ बजट जा रही है और जिनको NS की डिज़ाइन भी ज़्यादा पसंद है और एक अच्छी बाइक चाहिए 125 सीसी में, तो उनके लिए NS 125 ज़्यादा अच्छी रहेगी। और जिनको एक फैमिली बाइक चाहिए हो और एक ऑफिस गोइंग बंदे हो और उस तरीके से थोड़ा सा सिंपल लुक फैमिली बाइक, अगर आपको एक अच्छी बाइक चाहिए, थोड़ी बहुत पावर अच्छी हो जाए, तो पल्सर 125 आपके लिए ज़्यादा अच्छी रहेगी। सो गाइस, आपके क्या रिक्वायरमेंट्स है उस हिसाब से आप हमें कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, तो मैं आपको आपके कॉमेंट्स के आंसर, आपके रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से जो बाइक परफेक्ट सूट होगी तो मैं आपको बता दूंगा। ओके, तो आप कॉमेंट सेक्शन में आप हमें क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, आपकी जो भी रिक्वायरमेंट्स और क्वेरीज हो उस हिसाब से। ओके, सो गाइज, ये था हमारा वीडियो, अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और ऐसे ही क्वालिटी कंटेंट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइज, बाय।